तो फाइनली आ चुके हैं मास राजा आदिवगण की सिंगम अगेन के कौन एपिसोड में वापिस। तो डे नंबर 7 की बात करेंगे थर्सडे की, हमें क्या एडवांस कलेक्शन है वो देखने को मिल रहा है। भाई आज कुछ इस तरह नंबर निकल के सामने आया जो कि आज तक भाई ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। अब ये बड़ा हमें यूज ड्रॉप देखने को मिल रहा है या फिर बड़ा हमें जंप देखने को मिल रहा है वो हम लास्ट में बताएंगे, बट ये कह रहा होगा कि नंबर्स भाई अनएक्सपेक्टेड है। एंड आज शाम शोज की बात करें भाई वो भी अनएक्सपेक्टेड है। एंड एक टाइम हमें लग रहा था कि सेकेंड हाफ वीक में ये अच्छा कलेक्शन निकालेगी, कहीं ना कहीं 55 से लेकर 60 करोड़ के आसपास हमें नेट कलेक्शन वो आता हुआ दिखाई दे सकता है जो कि एक अच्छा होल्ड होगा। एंड एक हम लाइफ टाइम रिस्पेक्टेबल बिजनेस देख रहे थे विद क्रैश के साथ, बट आज के दिन गाइस जो हुआ है कहना होगा कि ये भी एक अनएक्सपेक्टेड ही है। मंडे टू ट्यूजडे जो हमने देखा भाई इस चीज़ के लिए हमने एग्री किया, चलो ठीक है दिवाली में ये दोनों आई बुल भैया 3 हो या फिर सिंगम अगेन हो, दिवाली एक दिन का खेल नहीं है एंड दिवाली एक बड़ा फेस्टिवल होता है तो मंडे भी सम प्लेसेस में ये हॉलीडे चलता है एंड हमें ट्यूसडे के दिन अच्छा ड्रॉप देखने को मिला। बट आज के दिन गाइस जो देखने को मिल रहा है तो कहना होगा कि दिस वीकडेज में हमें वो अच्छा होल्ड है वो देखने को नहीं मिल रहा है, ना ही आज के दिन एंड ना ही टुमारो एडवांस। भाई काफी मामला हमें अच्छी खासी गिरावट है वो देखने को मिल रही है। तो वीडियो आगे बढ़ाई उससे पहले आपको क्या करना है, डे वाइज एडवांस बुकिंग डे वाइज कलेक्शन ऑफ रिपोर्ट्स हो, सब कुछ अपडेट्स आपको इसी तरह पर मिलता रहेगा। और जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई, जल्दी करो चैनल को सब्सक्राइब इस अपडेट इस वीडियोज के लिए। तो सबसे पहले आज शाम के थोड़े भाई शोज देखते हैं एंड कहां पे मामला कितना ज्यादा स्ट्रांग है वो चल रहा है एंड शोज देखकर भाई पता चल जाएगा कि आज हमें कितनी ज्यादा गिरावट है वो देखने को मिल रही है कंपैरिजन टू ट्यूसडे। नंबर 1 मुंबई, मैंने कल कहा था भाई गेटी अगर खाली या फिर फुल जा रहा है एंड गेटी मेरे भाई ऑलमोस्ट ये डिसाइड कर देता कि फिल्म आज कहाँ पे जाने वाली है। तो ये सभी के सामने ही है सिंगम अगेन का 6:45 PM शोज, इससे पहले ऐसा शोज हमने कभी भी नहीं देखा। सेम टाइमिंग में हम ये एपिसोड बनाते हैं उसी को पता ही है एंड 6:45 PM वाला शोज देख लो आप सभी के सामने ही, क्या हमें ऑक्युपेंसी है वो नज़र आ रही है। भाई आज कुछ खास है वो जाता हुआ दिखाई है वो नहीं दे रहा और ये इंडिकेटर है भाई, ये इंडिकेटर है कि भाई फिल्म आज कितनी ज़्यादा गिरावट है वो लेने वाली है। बाकी तो छोड़ो, ये तो हमें कल के दिन भी देखा हमने इतना ज़्यादा भरा भरा नहीं था, बट 10 PM वाला आप शोज देखोगे ये तो हमने मंडे के दिन बात की थी फुल था, ट्यूजडे ऑलमोस्ट फुल था, अच्छी ऑक्युपेंसी थी, बट आज आप देखोगे ज़्यादा कुछ मेरे भाई टिकट है हमें सोल्ड आउट है वो देखने को नहीं मिले। आज ये शोज है भाई वो खाली खाली जाता हुआ दिखाई है वो दे रहा है। हाँ अभी अच्छा खासा टाइम है शुरू होने में, थोड़ा बड़ा बड़ा जाएगा, बट सेम टाइमिंग की बात करें जो हम डेली डिस्कशन करते थे तो आज उस लेवल की हमें ऑक्युपेंसी है वो देखने को नहीं मिल रही है। तो ये भाई इंडिकेटर है कि आज के दिन हमें अगेन एक बड़ी गिरावट है वो देखने को मिलेगी। एंड ओवरऑल मुंबई की बात करें केवल 20 के आसपास हमें शोज हैं वो फास्ट फिलिंग नज़र है वो आ रहे हैं एंड कंपेरिजन टू मंडे टू ट्यूजडे भाई आज मुंबई के अंदर गिरावट नज़र है वो आ रही है। नेक्स्ट दिल्ली की बात करें केवल 6 शोज हैं हमें फिलिंग फास्ट है नज़र है वो आ रहे हैं, बिच मीन्स की बड़ा गिरावट है भाई आज के दिन। अगेन देखो 5 से लेकर 10 चलता तो मैंने सुबह कहा था कि भाई ठीक है ये काफ़ी बढ़िया है अच्छा होल्ड होगा ये, बट मामला 10 से भी ज़्यादा जाता हुआ दिखाई है वो दे रहा है। जो हमें अभी शोज़ हैं वो फीलिंग फास्ट नज़र है वो आ रहे हैं। नेक्स्ट पुणे 5 शोज़ हैं फीलिंग फास्ट नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट चेन्नई की बात करें कल हमने देखा भाई बवाल काफ़ी अच्छे हमें शोज़ हैं वो ऑरेंज है वो दिखाई दिए थे, बट आज के दिन ये मामला ठंडा 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 चल रहा है, केवल 5-6 शोज़ हैं हमें यहाँ पे ऑरेंज है वो दिखाई है वो दे रहे हैं। और एक भाई सिटी है राजकोट की बात करें भाई ये थोड़ा कहना होगा कि एक बूस्ट करने की कोशिश कर रहा है नंबर को एंड कहीं ना कहीं 24 से ज़्यादा शोज़ है वो हमें ऑरेंज है वो दिखाई है वो दे रही है सभी के सामने ही है। तो भाई राजकोट ऑडियंस है जो गाइस वो अभी भी सिंगम के कलेक्शन को भाई बूस्ट करने की कोशिश है वो कर रही है एंड 45 शोज हैं टोटल, उसमें से 24 हमें फिलिंग फास्ट नज़र है वो आ रहे हैं। भाई सुपर ब्लॉकबस्टर रिस्पॉन्स मिलता हुआ नज़र आ रहा है राजकोट के अंदर। इवन अहमदाबाद की बात करें 51+ शोज है वो हमें फिलिंग फास्ट नज़र है वो आ रहे हैं। कल आई थिंक सो हमने सेम टाइमिंग डिसीजन किया था अहमदाबाद में 130+ शोज फिलिंग फास्ट थे और आए ओनली 51, गिरावट तो भाई अच्छी खासी दिख रही है। बट कंपैरिजन टू अनदर प्लेसेस भाई अहमदाबाद आज स्ट्रॉन्ग है कंपैरिजन टू अनदर प्लेसेस, महाराष्ट्र हो दिल्ली हो उत्तर प्रदेश हो या फिर तमिलनाडु हो या फिर तेलंगाना हो या फिर पंजाब हो, गुजरात सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं आज के दिन।
अच्छा कलेक्शन है वो ला रहा है, बट कंपैरिजन टू यशस्वी गुजराल अच्छी खासी हमें गिरावट भी देखने को मिल रही है। एंड ये कुछ भाई अब तक का नजारा है। इवन अहमदाबाद आप ओवरऑल देखोगे मिनी फ्लेक्सिया सभी के सामने ही है। इससे पहले हम जब डेली डिस्कशन करते थे भाई मिनी फ्लेक्स हमें ऑरेंज दिखाई देता था, जो कि आज हमें यहाँ पे ये ग्रीन दिखाई दे रहा है। भाई गिरावट तो है। एप्पल मल्टीप्लेक्स यहाँ सभी के सामने ही है, या यहाँ पे थोड़ा जो भाई ऑरेंज है वो दिखाई है वो दे रहा है। एंड नेक्स्ट सिनेपोलिस भाई ये 50-50 है, एंड जै खास दिखाई है वो नहीं दे रहा है। सिटी गोल्ड की बात करें ये भी 50-50 दिखाई दे रहा है। इससे पहले हम जब भी बात करते थे ये हमें ऑरेंज है वो दिखाई है वो देता था। एंड नेक्स्ट सूरत 21 से ज्यादा शोज है वो फीलिंग फास्ट नजर है वो आ रहे हैं, बट मामला जब मेरे भाई ज्यादा स्ट्रांग है वो नहीं है। एंड जूनागढ़ की बात करें भैया इनके 6 शोज़ हैं और 6 के 6 भाई हमें फीलिंग फास्ट नज़र आ रहा है। बाकी तो छोड़, 6 वाला शोज़ है वो हमें ऑलमोस्ट फुल नज़र है वो आ रहा है, जो कि कल के दिन भी यही सेम था। एंड आज ओवरऑल देखा जाए तो भाई कंपैरिजन टू ट्यूसडे हमें ड्रॉप है वो देखने को मिल रहा है। एंड बुक माय शो की बात भी कर लेते हैं लगे हाथ की, मॉर्निंग 7 से लेके अभी शाम के 4 बजे तक हमें क्या टिकट्स हैं वो सोल्ड आउट है वो देखने को मिल रहे हैं, और कंपैरिजन करेंगे ट्यूसडे के साथ। इसे आपको ये पता चल जाएगा कि अगर यहाँ पे गिरावट है तो ओवरऑल भी अच्छी खासी हमें गिरावट है वो देखने को मिलेगी। मॉर्निंग 8 to 9 AM 1690 टिकट्स हमें सोल्ड आउट देखने को मिले सिंगम अगेन। एंड यस्टरडे सेम टाइमिंग 2860 टिकट सिंगम के, अच्छा ड्रॉप है भाई। एंड भूल भैया 3170 टिकट्स मॉर्निंग 8 to 9, कंपेरिजन टू सिंगम गेन मच बेटर। एंड कंपेरिजन टू यस्टरडे 3270 टिकट्स, बड़ी गिरावट है वो देखने को मिल रही है। सेम हाल चल रहा है भाई भूल भैया 3 हो या फिर भाई सिंगम अगेन क्यों ना हो। 9 to 10 AM 3410 टिकट सोल्ड आउट देखने को मिले सिंगम अगेन। एंड यस्टरडे सेम टाइमिंग 5890 टिकट्स, भाई ह्यूज ड्रॉप। एंड भूल भैया 3 9 to 10 4130 टिकट्स, कंपेरिजन टू सिंगम अगेन मच बेटर। एंड कंपेरिजन टू यस्टरडे 6470, बड़ा ड्रॉप है। दोनों फिल्मों का भाई सेम हालत है वो चल रही है। हाँ आपको पर हावर में भूल भैया 3 आगे दिख रही होगी कंपेरिजन टू सिंगम अगेन, बट आपसे को याद होगा मैंने काफ़ी टाइम पहले कहा था कि एज आ ग्राउंड लेवल देखोगे सिंगम अगेन का हाइप ज़्यादा है, एज आ ओवर द काउंटर टिकट सेल्स एज अ ऑफलाइन की बात करें सिंगम अगेन भूल भैया पर ये बारी रहने वाली है। मैंने काफ़ी टाइम पहले कहा था जब ये दोनों का एडवांस भी ओपन नहीं हुआ था। एंड यह अभी भी आप देखोगे तो सिंगम अगेन का ज़्यादा कलेक्शन आ रहा है कंपेरिजन टू भूल भैया 3, चाहे ये बुक माय शो में आगे चल रही हो। नेक्स्ट 10 to 11 5660 टिकट्स हैं वो सिंगम अगेन के आज के दिन हमें सोल्ड आउट देखने को मिले। एंड यस्टरडे सेम टाइमिंग 8810 टिकट्स, बड़ी गिरावट है। एंड भूल भैया 3 680 टिकट्स आज के दिन, कंपैरिजन टू सिंगम मच बेटर। एंड कंपैरिजन टू यस्टरडे 9700, बड़ा ड्रॉप है। एंड नेक्स्ट 11 to 12 PM 6610 टिकट्स आज के दिन सिंगम, एंड यस्टरडे 10690 टिकट्स, बड़ी गिरावट है। एंड भूल भैया 3 8500 आज, एंड यस्टरडे 11910 टिकट्स, यहाँ पे बड़ी गिरावट है। कंपैरिजन टू सिंगम अगेन सेम हावर मच बेटर है, बट कंपैरिजन टू यस्टरडे बड़ा ड्रॉप है। एंड 12 to 1 PM 7920 टिकट सिंगम, एंड यस्टरडे सेम टाइमिंग 12480 टिकट्स, बड़ा ड्रॉप है। एंड भूल भैया 3 9000 प्लस टिकट्स 12 to 1 PM, विच मीन्स कि सिंगम से भाई बेटर है, बट यस्टरडे 13000 प्लस टिकट्स, बड़ा ड्रॉप है। एंड 1 to 12 8060 टिकट सिंगम, एंड यस्टरडे 11920 टिकट्स, भाई यहाँ पे भी ड्रॉप है। एंड 9820 टिकट्स आज के दिन से भूल भैया, जो कि 13500 प्लस टिकट्स यस्टरडे के दिन, भाई दोनों की सेम हालत है वो चल रही है, सेम हमें ड्रॉप है वो देखने को मिल रहा है। एंड 2 to 3 PM 8440 टिकट्स आज के दिन सिंगम, एंड यस्टरडे सेम टाइमिंग 2 to 3 12070 टिकट्स, बड़ा ड्रॉप है। एंड 2 to 3 सिंगम 9900 टिकट्स, सिंगम ने भाई भूल भैया 3, एंड यस्टरडे 13520 टिकट्स। कंपैरिजन टू सिंगम अगेन बेटर है, बट कंपैरिजन टू यस्टरडे भाई बड़ा ड्रॉप है। एंड 3 to 4 8040 टिकट सिंगम के, एंड कल यहाँ पे 10000 के आसपास थे, विच मीन्स कि बड़ा ड्रॉप है भाई। एंड 10210 टिकटें आज भूल भैया 3, जो कि कल सेम टाइमिंग 13000 से ज़्यादा है। एंड मॉर्निंग ए अभी शाम की 4 बजे तक टोटल टिकटें बिक चुकी हैं 50000 से ज़्यादा सिंगम की, जो कि कल थी भाई 76000 से ज़्यादा है, 26000 कम है। एंड 62000 आज है अभी भूल भैया 3 की, कल थी भाई 86000,
बड़ा ड्रॉप देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल हम देखें तो भाई 20-25% हमें ड्रॉप देखने को मिल रहा है कंपैरिजन टू यस्टरडे, चाहे शाम के फिलिंग फास्ट शोज हो या फिर बुक माय शो का भाई लेखा जोखा हो। एंड ये कुछ भाई लेखा जोखा है, बाकी शाम को मिलेंगे हम, अभी 6:30-7:30 हमारा एपिसोड आएगा, कंपेरिजन करेंगे भाई डेटा एंड एक्चुअल में कितनी कमाई है आज के दिन है वो आ सकती है। एंड देखो मैंने काफ़ी टाइम पहले कहा था कि फ्राइडे से पहले फिल्म को भाई 10 करोड़ से नीचे नहीं आना एज अ नेट की बात करें, बट आज जो हमें जो गिरावट देखने को मिल रही है, अभी कल थर्सडे है, नेक्स्ट फ्राइडे है, मामला भाई अच्छी खासा नीचे है वो आने वाला है। एंड एडवांस कलेक्शन की बात करें भाई टुमारो डे नंबर 7 एंड फर्स्ट वीक का फाइनल डे, आज पहली बार है कि भाई मामला लाखों में जा रहा है, 95 लाख के आसपास एडवांस वो देखने को मिल रहा है एंड काफ़ी बड़ी भाई हमें गिरावट है वो देखने को मिल रही है। अब मामला कल फाइनल एडवांस 2 करोड़ के आसपास भी चला जाए तो बड़ी बात है, लेट्स सी देखते हैं कि इवनिंग में हमें किस तरह एडवांस है वो देखने को मिलता है टुमारो के लिए। बाकी कर लो चैनल को सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए।